पर्सनली मेरे एंड से तो आई थिंक वुमेन से रिलेटेड ही है जो होने चाहिए. ये चीज़ें पहले भी थी, बट ये होता था कि समाज के लोग इकट्ठे हो जाते थे और समाज की शर्म होती थी. बट आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं. अगर हम केसेस काउंट करने देखें और डेली कितनी फाइलिंग्स हो रही हैं, अगर इन सारी चीज़ों को आप एनालाइज करो तो आपको क्लियर होगा कि ऐसा नियुक्ति वाला कुछ है ही नहीं. वो लोग अपने अकॉर्डिंगली बहुत वेल करते हैं. एक्स्ट्रा कोई कोर्ट लगी जाए जिस वजह से हमारे डिसीजंस जल्दी से जल्दी आए, इस चीज़ के लिए मैं. नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी. देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके कानूनी दांवपेच होते हैं, चाहे वो सीमा हैदर इस समय जो आई हुई है भारत, उसके अलावा भी जातीय जनगणना जैसे मुद्दे हैं. हर मुद्दे का एक जो कानूनी दांवपेच होता है उसके ऊपर आज हमारे कुछ सवाल होंगे और उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट जैस्मिन कौर. उनसे बात करते और जानते हैं कि इन मुद्दों का जो कानूनी जो दांव है वो किस प्रकार का होता है और आखिर वो जो जो भी चीज़ें होती है उसका उनका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पे. और चलिए बात करते हैं. तो मैम, शुक्रिया हमारे साथ पहले तो बात करने के लिए. शुक्रिया. नमस्कार. और एक चीज़ जो है कि अभी सीमा हैदर का नाम आपने सुना होगा, जिस प्रकार से वो नेपाल के रास्ते भारत आई, तो इस पूरे जो प्रोसेस में बहुत जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो इतना स्लो क्यों है कि 5-6 महीने हो गए अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है. बेसिकली इंडियन लीगल सिस्टम तो अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है. इट्स नॉट स्लो. जो भी हमारी धाराएं हैं या जिस तरह से भी हमारा इंडियन लीगल सिस्टम चलता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस ही चल रहा है. लाइक अगर मुझे भी कोई क्रिमिनल प्रोसेस भी है उसमें भी लाइक इफ़ यू हैव टू फाइल अ चार्ज शीट तो इट विल टेक अ 90 डेज. तो वो जब टाइम पीरियड ही कंप्लीट नहीं होगा तो हाउ कैन वी विल प्रोसीड फास्टर. सो दिस इज़ द सेम थिंग कि इसी प्रोसेस में ही ये लोग चल रहे हैं और इसी प्रोसेस से ही ये लोग चलेंगे. कोई स्पीडी ट्रायल तो होता ही उन केसेस में ना जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे स्टेट को नुकसान हो रहा हो. तो स्पीडी ट्रायल, जैसे आपने बोला कि स्पीडी ट्रायल कुछ कुछ मुद्दों पे होते हैं, तो स्पीडी ट्रायल जैसे कि जो महिला से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उनमें स्पीडी ट्रायल हमने देखा, जो जिस प्रकार से जो दुष्कर्म के मुद्दे होते हैं उसमें स्पीडी ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर बहुत सारे कोर्ट ने ये चीज़ कही है. और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है, पर्सनली आपको लगता है कि उसमें स्पीडी ट्रायल होने चाहिए? पर्सनली मेरे एंड से तो आई थिंक वुमेन से रिलेटेड ही है जो होने चाहिए. हाँ, आज के डेट में कुछ हस्बैंड्स के साथ भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसमें भी मैं सपोर्ट करती हूँ कि लाइक उनके लिए भी कुछ आना चाहिए. ठीक है, या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि लाइक केस में फंस जाती है फैमिलीज, बाद में उसका आउटकम बहुत एंड में निकलता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें मेंटली हरासमेंट होती है. एक और सवाल है कि क्योंकि आप एडवोकेट हैं तो एक जो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है जो लॉ एंड ऑर्डर है या फिर जो जस्टिस सिस्टम है उसको लेके एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव तो है कि ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, जो हम फिल्मों में भी आज तक देखते आए हैं कि कानून बहुत वक्त लेता है. तो एक एक जो आम जनता है उनके बीच में ऐसा लगता है कि ये जो कानूनी जो दांव पेच है उसमें बहुत वक्त लगेगा और इसके वजह से बहुत सारे स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि जो जो शूट आउट है वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, वहाँ पे इस तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं. तो आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि जो कानून की प्रक्रिया है वो स्लो है, इसके भी इसके वजह से जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स के जो क्या अथॉरिटी है वो इस तरीके के जब कदम उठवाते हैं, मतलब सामने से तो नहीं लेकिन एक कदम तो उनका रहता है कि जो खासतौर पर जो शूट आउट होते हैं जो, उसको लेके आप क्या सोचती हैं कि ये ऐसा होना चाहिए या उसको कैसे आप देख? मेरे हिसाब से यही चीज़ है इसके अंदर कि लोगों में पेशेंस खत्म होती जा रही है. ठीक है, ये चीज़ें पहले भी थी बट ये होता था कि समाज के लोग इकट्ठे हो जाते थे और समाज की शर्म होती थी. बट आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं. लोग सोचते हैं कि हमें हर तरह से जल्दी आउटकम मिले. ठीक है, और उसकी वजह से उनका पेशेंस लेवल हाई बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और जिसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होकर यही सब हमारे सामने आता है. सेम फॉर द हस्बैंड वाइफ मैटर या वॉट एवर द मैटर, कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी होती है उसमें भी यही होता है कि वेट नहीं है, पेशेंस नहीं है किसी के अंदर. और एक और चीज़ है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर बहुत सारे कोर्ट्स हैं उसमें कहा जाता है कि जजों की नियुक्ति का एक बड़ा मामला है. तो आप जजों की नियुक्ति को कैसे देखते हैं, क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जजों की नियुक्ति का क्या, वो लोग तो अपने अकॉर्डिंगली काम कर ही रहे हैं. जितना उनके ऊपर प्रेशर भी तो उनके ऊपर भी. आप लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारे इंडिया में केसेस कितने हैं. राइट, अगर हम केसेस काउंट करने देखें और डेली कितनी फाइलिंग्स हो रही हैं, अगर इन सारी चीज़ों को आप एनालाइज करो तो आपको क्लियर होगा कि ऐसा नियुक्ति वाला कुछ है ही नहीं. वो लोग अपने अकॉर्डिंगली बहुत वेल कर रहे हैं. नहीं, जैसे सवाल ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल में ही एक जज ने कहा था कि जो नियुक्तियाँ हैं
वो केंद्र सरकार को कही जाती हैं कि आप नियुक्तियां नहीं कर रहे क्योंकि उनकी भी रजामंदी चाहिए होती है, तो इस वजह से जो जजेस होते हैं उनकी संख्या कम है, जिस प्रकार से करोड़ों केसेस जो पेंडिंग है, तो जजेस की संख्या कम होने के वजह से जो वो केसेस को सुना नहीं जाता है, तो इस वजह से भी सवाल उठते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें नियुक्तियों में कुछ होना चाहिए? हाँ, चेंजेस तो होने चाहिए, या तो इस तरह से चेंजेस हो जाएं, या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, या एक्स्ट्रा कोई कोर्ट लगी जाए, जिस वजह से हमारे डिसीजंस जल्दी से जल्दी आए, इस चीज़ के लिए मैं कहती हूँ होना चाहिए। और एक और चीज़ है कि अभी जो पूरे जो जातीय जनगणना हुआ बिहार में, तो उसको लेके आप क्या सोचती हैं? क्योंकि केंद्र, जैसे कि जो केंद्र सरकार है उसका एक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी कि केंद्र का काम है कि कास्ट सेंसस हो या कोई भी सेंसस का काम है वो केंद्र करवाता है, बिहार सरकार नहीं करवा सकती क्योंकि वो राज्य में नहीं आता, राज्य के उसमें नहीं आता। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि वो सही है गलत है, क्योंकि उन्होंने तो करवा दिया और पब्लिश भी कर दिया रिपोर्ट। अथॉरिटी तो सेंट्रल से ही मिलनी चाहिए ना, ये अथॉरिटी तो सेंट्रल ही देगी, बट स्टेट को भी अगर अथॉरिटी दे दी जाए तो मैं यही सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ में। और एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से अभी जो पूरा एक स्टेट होता है, जो चीफ मिनिस्टर का जो कोई भी राज्य होता है, उनके और केंद्र के टसल को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आप लोग क्योंकि कोर्ट में रहती हैं, तो जब कोई ऐसा विभाग होता है जिसमें केंद्र को भी शक्तियां मिली हुई हैं, राज्य को भी शक्तियां मिली हुई हैं, और तो दोनों में मतलब कि जब टसल होता है तो उस चीज़ को मतलब कैसे हैंडल करते हैं कोर्ट्स? कोर्ट्स का क्या, गवर्नमेंट्स अपने आप अकॉर्डिंगली हैंडल करती हैं, कोर्ट्स को भी मैनेज करना पड़ता है बिकॉज वो डिस्क्रिशनरी डिसीजंस नहीं दे सकते, वो दोनों को देखती हैं और जो वेल होता है उसके अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करके डिसीजन देते हैं। और एक सवाल बचा हुआ है मेरा कि पूरे जो कोर्ट सिस्टम है, जो कोलिजियम सिस्टम है, खासतौर पर कोलिजियम सिस्टम पर बहुत सवाल खड़े होते हैं, तो कोलिजियम सिस्टम क्योंकि जज ही मिलके जजों की नियुक्ति करते हैं, तो इस चीज़ को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि आखिर जज ही मिलके जज की नियुक्ति कर रहे हैं तो उसमें क्या बायसनेस नहीं होती होगी, तो इस चीज़ को लेके भी जो है बहुत मुद्दे बनते हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि कोलिजियम सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है या फिर और कुछ होना चाहिए, ऐड करना चाहिए, लोगों को सरकार की तरफ से ऐड होना चाहिए, जो भी आपको लगता है? सिर्फ जजेस के पास अथॉरिटी थोड़ी है, जजेस के अलावा गवर्नमेंट भी तो देती है ना उस चीज़ को, तो हाउ कैन बायसनेस? जिस प्रकार से कोलिजियम सिस्टम में जो मतलब कि खासतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वही उसमें मोस्टली उसमें होते हैं, बट आप ये चीज़ देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पावर, अथॉरिटी, लाइक कितना टाइम से, और अगर हम किसी और अथॉरिटी को वो राइट दे देंगे तो बायसनेस वहाँ से आई थिंक क्रिएट और ज़्यादा होगा। तो जिस प्रकार से आपने देखा, हमने एडवोकेट जैस्मिन कौर से बात की, देश के जो तमाम मुद्दे थे, उनके जो लीगल पर्सपेक्टिव्स हो सकते थे उन पर बात की, उन्होंने सभी पर बात की और अपना जवाब रखा, और हमें उम्मीद है कि जनता को भी, जो जनता है वो भी इनके जवाब से संतुष्ट होगी। मैं तो तुषार, कैमरा पर्सन सचिन के साथ सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।